प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर, लगातार बढ़ता जा रहा मौतों का आंकड़ा। हालात ऐसे हैं कि पिछले 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की कुल संख्या 34,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 21,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं और अमेरिका लगातार चीन को कोरोना वायरस का जिम्मेदार भी ठहरा रहा है। दरअसल कोरोना संकट से जूझ रहे अमेरिका ने चीन से सवाल पूछने नहीं छोड़े हैं। अमेरिका कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने का जिम्मेदार कहीं न कहीं चीन को ठहरा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि हम हर चीज को पूरी तरह जांच रहे हैं, हर बात की पूरी तरह जांच की जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में जिक्र किया कि कोरोना वायरस के दुनिया में फैलने की जांच हो रही है। साथ ही इन खबरों को भी दरकिनार नहीं किया कि अमेरिका जानता था कि वुहान की प्रयोगशाला में अति संक्रामक सामग्री है। इसके पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना वायरस मामले में गहन छानबीन की बात दोहराई थी। कोरोना वायरस के फैलने को लेकर कई सारी थ्योरी सुनने को मिल रही है। अमेरिका मामले की गहन छानबीन कर रहा है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस दुनिया भर में कहां से फैला है। बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से अमेरिका में 15 से 20 लाख लोगों के मौत होने की बात कही थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन की रणनीति के कारण मौतों के आंकड़े को 1 से 2.40 लाख तक रहने की बात भी दोहराई थी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि एक सप्ताह के दौरान अमेरिका के 850 से अधिक काउंटी या देश के 30% हिस्से से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना संकट से गुजर रहे अमेरिका ने स्कूल, दफ्तर समेत दूसरे प्रतिष्ठान को फिर से खोलने के लिए 3 चरणों का प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। ओपनिंग अप अमेरिका अगेन योजना के तहत सभी राज्यों से प्रस्ताव पर विचार करने को कहा गया है। दरअसल अमेरिका में कोरोना संकट के बीच तमाम सेक्टर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था गंभीर दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने कोरोना वायरस को लेकर चीन और WHO पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने WHO को $400 मिलियन की फंड रोक दी है, जबकि कोरोना वायरस के नाम और उसकी शुरुआत को लेकर भी कई सवाल दाग दिए हैं। अमेरिका दावा है कि वुहान वायरस का नाम WHO ने चीन के साथ मिलकर कोरोना वायरस कर दिया। इससे कहीं ना कहीं चीन से कोरोना वायरस के फैलने की बात को झुठलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है और ट्रंप प्रशासन चीन के साथ ही WHO पर कोरोना वायरस को दुनिया में फैलने से रोकने में असफल रहने का आरोप भी लगा रहा है। इस खबर में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।